हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। तो आज जो है, आज मैं लेकर आई हूँ ज्वेलरी हॉल, बेसिकली इयररिंग्स हॉल है। और क्योंकि बहुत दिन से बहुत सारे कमेंट आए थे कि जो है कुछ इयररिंग्स आप शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा चलिए कुछ इयररिंग्स जो है मैंने ऑर्डर किए हैं वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला इयररिंग है वो मैंने इसमें पहना हुआ है, बट मैं उससे पहले बता दूँ कि ये जो इयररिंग्स है मैंने अलग अलग साइट से मंगाए, कुछ मैंने मीशो से मंगाए, कुछ मिंत्रा से मंगाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइट से मंगाए, बट सबके जो लिंक है वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इयररिंग है मेरा वो ये वाला है जो मैंने इसमें पहना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और क्योंकि ये जो है सिल्वर ज्वेलरी पे है तो बहुत अच्छा, किसी भी कॉटन ड्रेस के साथ अगर आप पहनोगे किसी भी कॉटन के साथ तो बहुत अच्छा से जो है वो पेयर होगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और क्योंकि इसमें आप अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो इसमें ये जो है वो मोतियों का काम हो रखा है, और इसकी वजह से वाइट पर्ल का जो काम हो रखा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। देखने में आपको जितना ये हैवी दिख रहा होगा उतना हैवी है नहीं, बहुत ही लाइट वेट है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये जो इयररिंग्स है बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और केवल सिंगल आप ये इयररिंग्स पहन लीजिए, आप किसी भी पार्टी के लिए एकदम रेडी हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनको ये जो है लुक बहुत पसंद आएगा कि कहीं भी जाना रहता है तो सिंपल आप रेडी हुई और केवल ये इयररिंग्स पहन लीजिए, आपका जो पूरा ओवरऑल लुक है ना वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये वाली इयररिंग्स। इयररिंग की बात करूं मैं तो सेकंड इयररिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये इस तरीके से जो है वो बॉक्स में आए हुए हैं, और ये मैंने मंगाए हैं मिंत्रा से। तो ये इस तरीके से हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी हैवी इयररिंग्स हैं ये। ये जो है झुमका स्टाइल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और बस इसका मुझे एक चीज़ लगा कि ये थोड़े हैवी हैं, मतलब जिस तरीके से ये जो है काफ़ी लाइट वेट है ये थोड़े हैवी में हैं, तो जब आप इन्हें कानों में पहनेंगे तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगेंगे, बट एट द सेम टाइम ये बहुत हैवी हैं। तो आपको अगर ये पहनने तो आप इनके साथ जो है पीछे साइड में जो है टेप लगा लीजिए, उसके बाद पहन सकते हैं, या कंचड़ी जो होती है सिंपल सी, बहुत ही जो सिंपल सी कंचड़ी होती है उसके साथ अगर पहनेंगे तो आपके जो ईयर्स है वो सिक्योर भी रहेंगे। इसके अंदर जो है वो टर्कोइस और ब्लू कॉम्बिनेशन में जो है यहाँ पर जो है डिज़ाइन दिया हुआ है। आपका फेवरेट कौन सा था आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट इयररिंग्स कौन सा था इसमें। नेक्स्ट इयरिंग मेरे ये वाले हैं, और इसमें जो है ग्रीन कलर का काम हुआ है, तो आप किसी भी ग्रीन कलर के ड्रेस के साथ इसको कंबाइंड कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो है ये लाइट वेट है और जो है गोल्ड प्लेटेड है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये है ब्रांड अनुक करके, मिंत्रा से मैंने खरीदे हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसमें जो नीचे ये थ्री झुमकी दे रखी है इसकी वजह से ये थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं। इयररिंग है वो जावेरी पर्ल्स के इयररिंग है, और इसका जो है एक झुमका जो है वो टूटा हुआ है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड है, और इसका जो यहाँ पे जो रिंग जैसा है वो साथ में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको फिक्स कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे वापस करूँगी, बट आई थिंक मैं इसे फिक्स कर लूँगी। तो ये जो है ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है
और ये भी ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट वेट है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर काम दिया हुआ है और पूरा कुंदन का काम है इसमें और छोटी सी झुमकी दे रखी है और साथ में पर्ल। तो पर्ल और कुंदन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इंडियन वेयर्स होते हैं उसमें गोल्डन सिल्वर जो काम होता है, तो गोल्डन काम होता है, तो आप उसके साथ डेफिनेटली इसको पहन सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आप इसे एक सूट के साथ भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ ये साड़ी के साथ पहन सकते हैं, आप इसको सूट के साथ भी पहन सकते हैं, उतने ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। है ब्रांड ज़ावेरी पर्ल्स का। नेक्स्ट ईयरिंग जो है वो आई थिंक मैंने मीशो से मंगवाए हैं और वो इस तरीके से हैं, ये इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो है मैंने ये जो मैं कंचड़ी की बात कर रही थी वो इस तरीके से सिंपल सी कंचड़ी है वो है। जब भी कभी आपके ईयरिंग्स हैवी हो तो आप इस तरीके की सिंपल सी जो है कंचड़ी अपने पास रखिए और उसको आप उसके साथ पेयर करके पहन लीजिए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये कंचड़ी इसके साथ नहीं आई थी, मैंने इसको अलग से लगाया है। तो ये जो बड़े बड़े झुमके हैं, तो अगर आप साउथ इंडियन कोई सिल्क साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, या आप किसी सूट के साथ भी पहनेंगे पेयर करेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। पिंक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन में है, तो ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। नेक्स्ट जो है मैंने कुछ हूप्स मंगवाए हैं, ये एक तो ये वाला हूप है, ये सिल्वर कलर का, तो ये किसी भी आपकी वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। सिंपल एंड सोवर ये आपको सरोजिनी नगर मार्केट या किसी लोकल मार्केट में मिल जाएगा, बट मैंने जो है इसे ऑनलाइन मंगवाया है। नेक्स्ट जो है वो है ये वाले इयररिंग्स, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो इसकी वजह से जो है ये भी मैंने मंगवाए हैं, और ये भी आपको किसी भी लोकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, बट मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया बिकॉज मैं जस्ट सर्च कर रही थी और मुझे पसंद आ गया, तो आई ऑर्डर्ड इट कि भाई लगे हाथ कर ही लो इनको भी ऑर्डर। ये जो ये थे ये थोड़े सिंपल में है, तो हर तरीके की इयरिंग्स होने चाहिए, तो मैंने सोचा इन्हें भी इंक्लूड कर देती हूँ। तो जो है मैंने एक जो राजस्थानी बोरला होता है वो मैंने मंगवाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसके साथ इसे इंक्लूड कर देती हूँ। तो ये इस तरीके का जो है ये बोरला है, यहाँ पर जो है ये स्टोन है, और ये आई थिंक मैंने मीशो से मंगवाया था, और इसको हम ना इस तरीके से यहाँ पर अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने कोई वीडियो बनाया था उसमें किसी का कॉमेंट आया था कि ये कहाँ मिलेगा, तो मुझे ये ऑनलाइन मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन मिल गया है तो मैं इसका जो लिंक है वो भी शेयर पाऊंगी आपके साथ, ताकि जिसको भी चाहिए वो ले ले। नेक्स्ट जो है एक और मैंने जो है वो मांग टीका मंगवाया है, ऑर्डर किया है, और आई थिंक ये जो है ये भी ज़ावेरी पर्ल्स का है, और ये कुछ इस तरीके का है, तो ये इस तरीके से है, इसमें ये मोतियों का काम है और 3 लेयर्स का है ये इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से पहनेंगे, मतलब इसको जब अच्छे से सेट करके पहनेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको 3 लेयर्स में ही पहनना है, इट्स टोटली योर विश कि इसको 3 लेयर्स में पहनना है। अगर आपको ज़्यादा हैवी लुक देना है तो आप इसको 3 लेयर्स में पहन लीजिए, अदरवाइज इसको सिंपल सिंगल लेयर्स में भी पहन सकते हैं जिस तरीके से मैंने पहना हुआ है। तो एक मांग टीके को आप 2 तरीके से पहन सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यार अगर नहीं भी हेल्पफुल रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मे भी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद तो मतलब फिर अच्छे अच्छे वीडियो तो हम लाते ही रहेंगे। मेरा फेसबुक हैंडल है स्टेज स्टाइलिश विद नीतू, और मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो है स्टेज स्टाइलिश विद नीतू, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। सेफ गर्ल रिस्पेक्ट वुमन सी थॉट के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, love you।